और परमात्मा की सेवा किसने किया? कोल की रातों ने, आदिवासियों ने जी, उन्होंने परमात्मा की सेवा किया क्योंकि यहाँ कोल भील ही थे जी। और तीसरा कौन था? संत थे, ऋषि महात्मा थे। कौन से? अत्रियादि मुनिवर बहु बसहीं, करहीं जोग जप तन तप कर सही, ये नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र पिया निज तप बलयानी। तो यहाँ संत और ऋषि रहते रहे, आदिवासी कोल भील रहते रहे, और उन्हीं के बीच में परमात्मा ने अपना 11.5 वर्ष का समय बिताया जी। तो हम तो ये कहते हैं कि वो जीवन धन है जो चित्रकूट की तपोस्थली पर है। हम तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे कई एक बार ये बताया होगा अखिलेश कि यत्र तत्र सर्वत्र, लगभग शायद है हमने शायद भारत भ्रमण कर डाला है, क्योंकि चारों धाम की यात्राएं किया हमने बहुत पूर्व में, आज से लगभग 30 साल पहले, जिस समय हमारी अवस्था बिल्कुल एकदम यंग अवस्था थी, लगभग 28-30 वर्ष की उम्र थी हमारी, उस समय हमने चारों धाम की यात्राएं की। तो लगभग हमने भारत भ्रमण किया, बहुत जगह पर गए हम, नर्मदा खंड में भी रहे हम, वृंदावन में भी रहे, अयोध्या में भी रहे, हरिद्वार ऋषिकेश भी रहे, चित्रकूट तो रहे ही रहे। तो सारी यत्र तत्र भारत का भ्रमण करने के बाद जब मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, कोई नई बात जन्म लेती है, तो केवल ये लेती है कि अब चितचेत चित्रकूट ही चल। क्यों? क्योंकि जब हम चित्रकूट आ जाते हैं तो हमको बड़ा आत्म शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आज भी कुछ चीज़ें उस समय की आज भी विद्यमान हैं। जैसे यहाँ कोल की रात रहते रहे तो जिस जगह हमारी कुटिया है उस जगह तुमने देखा ये जो पीछे ये बस्ती है ना, ये सब केवल आदिवासियों की बस्ती है, कोल भीलों की जी। तो महाराज जी जो कोल भील राम जी की सेवा करते थे तो कैसे करते थे? राम जी की सेवा करते थे, परमात्मा की सेवा करते थे, हर तरह से करते थे। अब जैसे उनके पास धन तो था नहीं, तो उनके पास क्या था? तन था और मन था। तो तन और मन से परमात्मा की सेवा करते थे, परमात्मा के लिए जंगल से ये जो अच्छे अच्छे फल है ना, बेर, मकोइया, करौंदा और ये क्या कहते हैं तेंदू, और ये सब जितने जंगली फल है ना, ये सारे फलों को लाते थे वो, और उन्हीं फलों के द्वारा भगवान का भोग लगाते थे, भगवान के सामने नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, आनंद लेते थे, और प्रभु भी आनंद लेते थे उन्हीं के बीच में बैठ करके। परमात्मा ने उनसे एक बार प्रश्न किया जी। जब चित्रकूट से चलने लगे ना, तो संतों से विदाई लिया और कोल भीलों से भी विदाई लिया। परमात्मा ने कोल भीलों से कहा, बोले आप लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की, बहुत सेवा की। तो उसमें एक बहुत चतुर था कोलों का मुखिया जी, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ परमात्मा के सामने, बोले प्रभु सबसे बड़ी सेवा हमारी आप जानते हैं क्या है? बोले क्या है? बोले नाथ हमारी है सेवकाई, अले ही न भूषण बसन चोराई। कह सबसे बड़ी सेवा आप ये मानिए कि हम लोग चोरी करते थे क्योंकि चोरी ही हमारा काम था जी। और चोरी करके ही हम लोग अपने परिवार का प्रतिपाल करते थे। तो कहें प्रभु सबसे बड़ी सेवा ये है कि जो कि हमने आपकी चोरी नहीं की। तो परमात्मा हंसने लगे, ठीक है ना जी जी। तो आज भी यहाँ कुछ चीजें अखिलेश जी वो विद्यमान है, पाई जाती है। महाराज जी आप जैसे कोल आदिवासी की बस्ती में रहते हैं, हाँ, तो आपकी सेवा कैसे करते हैं? हमारी सेवा करने के लिए जब हम यहाँ आए, तो यहाँ जब हम आए तो हमको यहाँ एक आदिवासी ही मिला जी। भाई जब परमात्मा को कोल भील मिले तो हमको भी तो कोल ही भील मिलेंगे जी। और हमको इनसे बड़ा प्रेम भी है, ठीक है ना, ये इनसे हम आनंद भी लेते हैं, हंसते भी हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमको भी यहाँ एक आदिवासी ही मिला जी। जिस आदिवासी का नाम है राजपाल कोल जी। ये बैठा हुआ है तुम्हारे सामने, जरा देखो इसकी तरफ, ये बैठा हुआ है। अच्छा ये
ये राजपाल कोल है जी, और इसके पीछे देखो ये इसका परिवार खड़ा हुआ है। अच्छा। राजपाल का इसके छोटे छोटे बाल बच्चे, जैसे उस दिन जब हम तुम्हारे साथ गए थे वो कुटिया की सामग्री लेने के लिए, तो हमने तुमको दिखाया था एक छोटी सी बच्ची थी ना, उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है, नाम उसका, उसको खटिनिया कहते हैं लोग, वैसे नाम उसका ज्योति है। अब ये लाड़ प्यार में क्या है, ये लोगों की आदिवासियों की बस्ती, आदिवासियों का परिवार है, तो ये सब बच्चों का थोड़ा दो नाम रखवाते हैं, तो हम भी उसको खटनिया ही कह के बुलवाते हैं। अच्छा। तो वो बच्ची है ना, वो आती है यहाँ, और यहाँ थोड़ा बहुत ये देख रहे हो ना, अभी आएगी तो या तो वो आएगी या तो राजपाल आएगा, यहाँ पानी आनी का छिड़काव करेगा और ये सब झाड़ू बहारू करेगा, ये बर्तन वर्तन है इनको भी धुल धल देगा, शाम के कुछ दो चार टिक्कड़ इक्कड़ बनेंगे, कंडे अंडे भी यही राजपाल लेके आता है जी। तो जिस तरह परमात्मा की सेवा किया आदिवासियों ने, कोल की रातों ने, उसी तरह हमारी भी सेवा यही राजपाल का परिवार कर रहा है। महाराज जी छोटी सेवा आपकी कर रहे हैं। हाँ। तो बड़ी वाली सेवा नहीं तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में, उससे कोई चोरी ही नहीं है तो क्या करेगा जी। भाई चोरी तब की जाती है जब कोई चोरी की जाए ना, परमात्मा ने कोई चोरी किया तो परमात्मा की उन लोगों ने कोई चोरी नहीं किया, जब हमारे पास कोई चोरी नहीं है, उसको सब मालूम है कि यही आता है, यही भाटा है, यही महाराज जी की झोली है, यही कमंडल है, उसको तो सब पता रहता है। एक दिन बोल भी रहा था 50 रुपया दे दीजिए, तो हमने कहा कि अभी है नहीं, 20 रुपये हैं, 20 ले लो, तो 20 दे दिया था हमने, और 50 रुपये फिर हमने कहा होंगे तो फिर दे देंगे, तो चोरी वोरी नहीं करते ऐसे हमारी है। अब महाराज जी बिल्कुल साधारण सी जैसे कांसा कुसा की कुटिया में रहते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी आपकी सेवा यही कि आपकी चोरी नहीं करते। हाँ नहीं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, सेवा करते हैं, कोई चोरी नहीं करते। हाँ। और बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं तो रूठ करके चला भी जाता है जी। फिर बुलाना पड़ता है हमको, फिर आ जाता है, तो और ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो परमात्मा से ये मनाते हैं कि ईश्वर ने, कि इन लोगों ने ईश्वर की सेवा की, 11.5 वर्ष आदिवास कोलों ने, कोल भीलों ने भगवान की सेवा की, तो हम तो ये मनाते हैं कि परमात्मा इनके परिवार को संपन्न रखे और इनका परिवार सुखी रहे, ये लोग बढ़िया सुख से भोजन करें, सुख से रहें, सुख से बसें, हम तो ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए। अच्छा महाराज जी जब अपना समय विपरीत हो जाता है तो सब लोग साथ क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा ये चला आया है, आज से नहीं। हाँ। ये हमारे द्वापर त्रेता सतयुग ये सदियों का प्रमाण है जी। क्योंकि समय और नक्षत्र जो ग्रह दशा होते हैं ना, ये ग्रह दशाओं का जब परिवर्तन होता है तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे हमारे शास्त्रों में महाराज हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती राजा थे जिनका राज सूर्योदय से सूर्यास्त तक था, ठीक है ना, परंतु जब समय बदला तो आपने ये देखा कि पत्नी भी बिकी, पुत्र भी बिका, स्वयं को उन्होंने काशी पे अपने आप को भेजा एक भंगी के हाथ पे, ठीक, समय बदला। महाराज मूरत ध्वज जिन्होंने पुत्र के शीश पे आरा चलाया, ठीक है ना, समय यहां तक कि जो 3 लोग का मालिक उसको भी मानव रूप जब धारण करना पड़ा तो आपने देखा कि उन्होंने भी बड़ी यातनाएं सहन किया मानव रूप धारण करने पर। क्यों? कि वो संसार को ये दिखा रहे थे कि मानव जीवन में ऐसा हो सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है तो आपत्ति के समय पे गोस्वामी जी ने लिखा है 4 की प्रतीक्षा करना चाहिए जी। 4 की इंतजारी करना चाहिए। तो बोले वो 4 कौन है? तो बोले आफत काल पर रखिए 4 ही, धीरज, धर्म, मित्र, अरुणाली। भाई को नहीं लिखा, मित्र को लिखा। पर मित्र कैसा होना चाहिए? ऐसा मित्र न होना चाहिए कि आज हमें जरूरत है आपसे तो हम आपको बहुत गले लगा के चल रहे हैं और कल हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो हम आपको ठोकर दे दें। नहीं, ऐसा नहीं। मित्र के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, जे न मित्र दुख होए दुखारी तिन्ह बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के सुख को सुख माने, मित्र के दुख को दुख माने,
वो मित्र कहलाने का अधिकारी है, ठीक है ना। और यदि वो मित्र के सुख को सुख नहीं मानता, मित्र के दुख को दुख नहीं मानता, तो वो मित्र मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, ठीक है ना जी। वो शत्रु है, वो मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु कैसा है? स्वार्थी शत्रु, जो स्वार्थ सिद्ध करने के बाद में और किनारा काट जाए, ठीक है ना, वो मित्र नहीं है। इसलिए आपत्ति के समय पर चार चीजों की प्रतीक्षा रखना चाहिए। अपना धैर्य, कभी धैर्य न छोड़ना चाहिए। धर्म, कभी अपने धर्म को भी नष्ट नहीं करना चाहिए कि आपत्ति के समय पर हम अपना धर्म नष्ट कर दें, ठीक है ना। धर्म, मित्र, यदि सच्चा मित्र है तो आपत्ति पे आपका साथ नहीं छोड़ सकता है, ठीक है ना। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया, महाराजा नल के ऊपर आपत्तियां आई, तो महाराजा नल के ऊपर जब आपत्तियां पड़ी ना, तो उनकी बहन ने साथ नहीं दिया जी, ठीक, उनके परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, पर उनकी पत्नी और उनका पुत्र और महाराजा नल अनवरत एक साथ रहे। उस आपत्ति का सामना लेकर के जब वो पहुंचे अपने मित्र के यहाँ, तो मित्र ने उस आपत्ति पर उनका साथ दिया जी, मित्र ने कभी उनको ठोकर नहीं दिया। तो जो सच्चा मित्र होगा वो कभी आपत्ति पर धोखा नहीं दे सकता है। और जो स्वार्थ भरा मित्र है कि वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो गया, अब अपन को क्या लेना देना है सीताराम, हैं, तो वो मित्र नहीं है। तो ये तो आपत्ति के समय पर हमेशा सब कोई साथ नहीं देता है। कोई बहुत जब गणनाएं की गई तो गणनाओं में लोग कह देते हैं कि कहीं लाख में एक होता है, ठीक है ना, जो साथ देता है। और जो साथ दे आपत्ति पर, ठीक है ना। कबीर जी और रहीम जी दो बहुत बड़े हमारे भारत भूमि पर कवि रहे, ठीक है ना। रहीम जी एक अपने मुसलमान बिरादरी से रहे, परंतु रहीम जी, रसखान जी, ये बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे, और कबीर जी जी। तो प्रश्न उत्तर दोनों का हो रहा था। कबीर जी कह रहे हैं रहीम जी से, बोले रहीमन, बोले क्या है, बोले रहीमन विपदा हूँ भली, बोले व्यक्ति के जीवन में विपत्ति भी आना जरूरी है जी। यदि व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां नहीं आई, व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आया जी जी, व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आया, तो वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा, वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा। तो कबीर जी कह रहे हैं रहीमन विपदा हूँ भली, बोले क्यों, बोले जो थोड़े दिन होए, बहुत दिन नहीं, यदि बहुत दिन विपत्ति आ गई तब तो फिर हो सकता है उसके प्राण ही चले जाएंगे जी, या वो सहारा ही छोड़ देगा संसार का जी। तो बोले थोड़े दिन, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। अब बोले हित अनहित यह जगत में जान पड़े सबको, क्योंकि विपत्ति के ही समय पर तो ये समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, ठीक है ना जी। और जब हमारे जीवन में सुख ही सुख है तो हम क्या जानेंगे कि विपत्ति क्या है। तभी तो किसी ने कहा है कि जाके पाँव न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बीवाई पैरों में फटा करती है, देखा होगा, जानते होगे, देखने पर उसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, पर चलने पर वो दर्द बहुत देती है। तो लोग कह देते हैं अरे इतने छोटे से उसमें आपको इतना कष्ट हो रहा है, तो कहा बताया गया, बोले ऐसा नहीं है, बोले क्यों, बोले तुम्हारे पैर में नहीं फटी, जाके पांव न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वो क्या जान सकता है जिसका सारा जीवन महलों पर बीता, जिसका सारा जीवन सुख की जिंदगी पर बीता, वो दुख को क्या जानेगा, वो दुख की अनुभूत क्या समझेगा, वो गरीब की पीड़ा को क्या समझेगा जी। वो नहीं समझ सकता है, गरीब की पीड़ा को वो समझेगा, कौन समझेगा, जिसने बहुत नज़दीक से देखा है, ठीक है। तो परमात्मा की कृपा से
ईश्वर की कृपा से अपने द्वारा यदि हो सके तो किसी भूखे को रोटी देना, किसी बेसहारे को सहारा देना है, जिसके लिए छाया नहीं है उसको छाया देना है, ये संसार में सबसे बड़ा भजन है, यही सबसे बड़ा संसार में परोपकार है। और परोपकार के लिए गोस्वामी जी ने कहा पर ही तो सजुस धर्म नहीं भाई। संसार में बोले धर्म कौन सा है, बोले सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो गोस्वामी जी ने लिखा पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई। और पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी, पराये कार से बढ़कर के, पराये की मदद से बढ़कर के धर्म नहीं है, और किसी दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई संसार में पाप नहीं। तो जहां तक हो सके ठीक है ना, तो लगा सको तो बाग लगा दो। हम तो ये कहा करते हैं जी कि लगा सको तो बाग लगा दो, आग लगाना मत सीखो। पिला सको तो नीर पिला दो, जहर पिलाना मत सीखो। और मिला सको तो मित्र मिला दो, फूट कराना मत सीखो। बहुत बढ़िया महाराज, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम दे रहे हैं जी। और चित्रकूट तपोस्थली को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से समस्त कामतानाथ या राम भक्तों को या श्रद्धालुओं को ये शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर सबका जीवन सुखमय रहे, सबका परिवार सुखमय रहे, किसी के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति और संकट ना आवे। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय।